जून को अफ्रीका के अंदर एक अफ्रीका में एक तानाशाह आया था, प्रेसिडेंट अमीन, और उसको बूचर ऑफ अफ्रीका कहते हैं। वो बात ही नहीं सुनेगा, मार देगा सामने से, कोई सुनवाई नहीं है उसके पास। बूचर ऑफ अफ्रीका कहते थे उसको। तो अब उसने अपनी टेरिटरी पे धाक जमा ली, उसने प्रेसिडेंट अमीन ने। अब अंग्रेज़ लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग वहाँ से जो मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेके जा रहे थे, निकाल के लेके जा रहे थे। तो अमीन ने बोला कि भाई नहीं ले जाने दूंगा, यहाँ से नहीं ले जा सकते। अब उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा आ गई ब्रिटिशर्स की। ये ब्रिटिशर्स की जो आज भूखे मर रहे हैं ना, जो ये ब्रिटिशर्स जो त्राही माम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सबसे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, हम बेस्ट हैं ब्रिटिशर्स। एक बार मैं इसराइल गया था तो वहाँ पे मैं, डेड सी एक जगह है, डेड सी ऐसी जगह है कि आप उसमें डूब नहीं सकते, तो इतना उसका पानी, इतने मिनरल्स हैं उसके पानी के अंदर कि उसके अंदर एक तो कोई भी जीव जंतु मछली कुछ नहीं जा सकती, इतना मिनरल्स हैं उसके पानी में। तो क्योंकि उसके अंदर कोई जीव जंतु नहीं है इसलिए उसको डेड सी कहा जाता है। और उसके जो बीच है उसके किनारे पे वहाँ पे उन्होंने दर्जनों नलके लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि इतना मिनरल्स हैं, इतना नमक है उनके मिनरल्स हैं पानी में, अगर एक बूंद भी आँख में चली गई तो मतलब बैंड बज जाता है उसका, जैसे आँखों में किसी ने मिर्च झोंक दी हो। तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बीच पे वो नलके लगा रखे हैं। मैं आँखें धोगे फटाफट, आँखें धोगे तो चैन मिलेगा। तो मैं डेड सी गया था तो वहाँ पे एक अंग्रेज़ मिला मेरे को, वो ब्रिटेन से ही आया था सीधा इम्पोर्ट होके वहाँ पे, जैसे मैं इंडिया से इम्पोर्ट हुआ ऐसे वो ब्रिटेन से इम्पोर्ट हो गया। तो कहते हैं वी आर द बेस्ट ब्रिटॉन्स, वी आर द बेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और मैंने मन में सोचा भोंकता रहे भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपना चैंटिंग करके आगे निकल गया, मुझे उससे कोई परवाह नहीं पड़ी उसकी। लेकिन ये जो ब्रिटॉन्स है, अब इनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन में रुकावट आ गई। अमीन ने बोला नहीं ले जाने देता भाई, जो ले जाएगा उड़ा दूंगा उसको बम से, मेरे यहाँ पे नहीं चलेगी ये बात। तो ब्रिटॉन्स ने, वो अंग्रेजों ने उससे पूछा अमीन से, तू चाहता क्या? चल, वो तो हर चीज़ में नेगोशिएशन में आ जाते हैं ना अंग्रेज़, लड़ाई के कन्फ्रंट्रेशन में नहीं आते। वो बोलते हैं चल बता तू चाहता क्या, जो तेरी कुछ तो इच्छा होगी ना उसको पूरी कर देंगे हम, जो तुझे चाहिए तेरे को दे देंगे, जो हमें चाहिए हम ले जाएंगे, तो बताना क्या चाहता है, रोक क्यों रहा है? काम काम मत रोक भाई, काम मत रोक, हमारी इंद्रिय तृप्ति रुक जाती है ऐसे। तो अमीन ने बोला जो 17 जून 1977 को, 17 जून 1977 उसने बोला, अगर तुमने काम करना है यहाँ से, अगर तुमने सामान लेकर जाना है, शोषण करना है, तो ये मैंने एक पालकी बनवाई है। उसने एक पालकी बनवाई थी, उसने उसने कहा ये मेरी पालकी उठाओ कहारों की तरह और यहाँ से वहाँ लेके जाओ। अंग्रेजों ने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, हम उठा लेते हैं। अंग्रेजों ने खुद उनकी पालकी उठाई उसकी, अमीन की, अंग्रेजों ने, आई मीन जो अफ्रीकन को गुलाम बना के जिन्होंने रखा था। लेकिन जब इंद्र तृप्ति पे बात आई, अज्ञा मूर्ख है ना, इंद्र तृप्ति पे बात आई उसकी पालकी उठा के चलना शुरू हो गया। तो अमीन ने बोला ये तो एक शर्त थी, अब दूसरी शर्त भी सुन लो। अंग्रेजों ने बोला हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ दूसरी शर्त क्या है आपकी। तो वो अमीन ने बोला दूसरी शर्त है, जब भी मेरे सामने आओगे मुझे झुक के माथा टेक के नमस्ते करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। जब भी अंग्रेज अमीन के सामने जाते थे जमीन पे माथा लगा के उसको नमस्ते करते थे, ताकि हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा नहीं आए, हमारी इंद्रिय तृप्ति चलती रहे।